जय बाबा वैद्यनाथ जोहार, स्वागत है आपका देवघर ब्लॉक के नेक्स्ट पार्ट में। तो हम लोग पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने मंदिर भ्रमण किया था। मंदिर भ्रमण करके अब हम लोग निकले हैं, शिवगंगा की ओर जा रहे हैं। ये है कुखरा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पेड़ की दुकानें हैं। जब आप सिंह द्वार से बाहर निकलेंगे तो बहुत सी पूजे पाठ की तथा माला, शंख, पोला आदि की दुकानें मिल जाएंगी। चलते हम लोग शिवगंगा की ओर और शिवगंगा के पौराणिक महत्व पर प्रकाश डालते हैं। जब रावण मूत्र विसर्जन करके वापस आया और शिवलिंग को छूना चाहा तो हाथ धोए बिना वह शिवलिंग को नहीं छू सकता, इसीलिए उसने वहां पे अपने बाहुबल से गंगा को उत्पन्न किया और उसके बाद यह शिवगंगा कहलाए। इसे कई राजाओं ने देख रेख में घाट बनाए तथा अभी की तत्कालिक सरकार इसकी देख रेख करती है। और आप देख सकते हैं NDRF की टीम श्रावण में मुस्तैद रूप से खड़ी रहती है। हम लोग शिवगंगा से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मीने बाजार की ओर। बाबा धाम में यानी कि मंदिर परिसर के अगल बगल खाली जगह पर मीना बाजार यानी कि छोटे मेले की जो कंपनियां होती हैं वो भी आती हैं, जहां पे आपके बच्चों के लिए तरह तरह के झूले तथा गुब्बारे के स्टॉल तथा मिक्की माउस इत्यादि आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी सस्ती रिजनेबल प्राइस पर आपका मनोरंजन करती हैं। तथा हम लोग बढ़ रहे थे तो बहुत सी दुकानें हम लोगों को दिखी, 10 रुपये से लेकर 60 रुपये तक के सेल लगे हुए थे। इसमें प्रत्येक व्यक्ति वस्तु आपको एक निश्चित दाम पर दिया जा रहा था। और सामने भेलपुड़ी, झारखंड भेलपुड़ी की भी दुकानें लगी हुई थी और बच्चों के घूमने के लिए छोटे छोटे गाड़ी, खिलौने तथा बर्तन, घरेलू उपयोग के सामान इत्यादि बहुत सी दुकानें थी। हम लोग बढ़ते बढ़ते एक दुकान की ओर हम लोगों का ध्यान गया, जो कि थोड़े विचित्र और ध्यान आकर्षित करने वाला था। एक मिनट में जादू सीखे, तो हम लोगों ने भी वहाँ पे देखा कि एक भैया हैं वो जो जादू दिखा रहे हैं वहाँ के शॉपकीपर। अंडे से अंडा आया कि पहले मुर्गी और फिर फेदर का कलर चेंज करके, जो कि 50 रुपये से वहाँ पे आप जादू सीख सकते हैं। इस स्टॉल पे भी हम लोगों ने लगभग 5 मिनट व्यतीत किया। 5 मिनट व्यतीत करने के बाद 2-4 जादू हम लोगों ने देखे। जादू देखने के बाद अब समय हो गया था भोजन का, तो अब हम लोग चलते हैं भोजन करने की ओर। और हम लोग पहुंच गए जादू देखने के बाद एक होटल में और हम लोगों ने भोजन किया। अब हम भोजन करते हैं और आप लोग से मिलते हैं थर्ड पार्ट में। तो बने रहिए हमारे साथ। JH28 ब्लॉग को, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।